हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द फिफ्थ चैप्टर ऑफ साइंस, बर्ड्स नेस्टिंग एंड केयरिंग. मोस्ट बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट एट सेफर एंड हिडन प्लेसेस लाइक ट्री. अधिकतर चिड़ियाँ जो होती हैं वो अपने घोंसले कहाँ बनाती हैं? बहुत ही सुरक्षित और छुपे हुए जगहों पर, पेड़ों पर, ओल्ड बिल्डिंग्स, रूफ टॉप्स, पोल्स एक्सेट्रा. पेड़ों पर, पुराने इमारतों में, रूफ टॉप्स पे, छतों पे, छज्जियों पे या फिर पोल्स पे, ऊंचे ऊंचे पोल्स के ऊपर बनाती हैं. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट टू ले एग्स एंड ब्रिंग अप यंग वंस. चिड़ियाँ अपने घोंसले क्यों बनाती हैं? अपने बच्चों को पालने के लिए और अंडे देने के लिए. अंडे देने के लिए और पालने के लिए कहाँ कहाँ अपने घोंसले बनाती हैं? ट्रीज पे, ओल्ड बिल्डिंग, रूफ टॉप और पोल्स पे. दे यूज लीव्स, वुलन, कॉटन, फेदर्स, रैग्स एंड ग्लास टू मेक नेस्ट. वो वुलन, कॉटन, फेदर, रैग, ग्रास, पुराने फटे छिते कपड़े, ये सारी चीज़ें यूज़ कर कर क्या बनाती हैं? अपने घोंसले बनाती हैं. पत्तों से, ऊन से, कॉटन के कपड़ों के चित्रों से, पंखों से, सूखी हुई घास से, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर कर अपने घोंसले बनाती हैं. When the baby birds hatch from the eggs, the parent birds feed and protect them. जब छोटे छोटे चूजे, जब baby birds जो होते हैं, चिड़ियाँ के बच्चे जो होते हैं, वो अंडों से बाहर आते हैं, तो जो parent bird होते हैं, जो माता पिता होते हैं चिड़ियाँ, वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को feed करते हैं, खिलाते हैं और protect करते हैं और उनको बचा कर रखते हैं दूसरे चिड़ियाँ, दूसरे जानवरों से, लोगों से. बेबी बर्ड्स स्टे इन द नेस्ट टिल दे आर एबल टू फ्लाई. बेबी बर्ड्स जो होते हैं, नए जो चूजे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं बर्ड्स के, वो तब तक घोंसलों में रहते हैं, नेस्ट में रहते हैं, जब तक कि वो फ्लाई ना कर पाए, उड़ ना पाए. जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेते तब तक वो घोंसले में ही रहते हैं. टाइप ऑफ नेस्ट, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. कैसी चिड़ियाँ कौन से घोंसले बनाती हैं, ठीक है? कैप्टिव नेस्ट फर्स्ट इज कैविटी नेस्ट. कैविटी नेस्ट, कैविटी नेस्ट इज बिल्ड इन द ट्रंक ऑफ ओल्ड ट्रीज. कैविटी नेस्ट जो होता है पुराने पेड़ों के तनों में बनाया जाता है. कहाँ बनाया जाता है? इन द ट्रंक ऑफ ओल्ड ट्रीज. कैविटी नेस्ट इज बिल्ड इन द ट्रंक ऑफ ओल्ड ट्रीज. पुराने पेड़ के तनों में बनाया जाता है. आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये आउल ने पुराने पेड़ के ट्रंक में, ये उड़ पैकर ने पुराने पेड़ के ट्रंक में क्या बना रखा है? कैविटी नेस्ट बना रखा है. द एंट्री ऑफ कैविटी नेस्ट इज स्मॉल. कैविटी नेस्ट की जो एंट्री होती है, जहां से ये चिड़िया अंदर जाती है, वो क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होती है. एंट्री पॉइंट, घुसने की जगह जो होती है उसमें, वो बहुत छोटी होती है. बट इट इज लार्ज इन साइड द ट्रंक वेयर द एग्स आर लेड. मगर अंदर वो घोंसला जो होता है बहुत बड़ा होता है, ट्रंक के अंदर जहां पर कि अंडे होते हैं, जहां अंडे चिड़ियां रखती हैं. वुड पैकर, आउल, पैरट एंड ब्लू बर्ड मेक दिस टाइप ऑफ नेस्ट. कौन कौन सी चिड़ियां ऐसे घोंसले बनाती हैं? वुड पैकर, आउल, उल्लू आपके, पैरट, तोता, ब्लू बर्ड, ये सारी जो हैं ये इसी टाइप के नेस्ट्स बनाती हैं. कैविटी नेस्ट किस टाइप के नेस्ट बनाती हैं? कैविटी नेस्ट बनाती हैं. ओके, कैविटी नेस्ट. कैविटी नेस्ट कहाँ होते हैं? ट्री ट्रंक में बनाते हैं. ओके, द वुड पैकर्स मेक होल्स डीप इन द बार्क ऑफ अ ट्री. वुड पैकर क्या करता है? पेड़ की छाल में, पेड़ के तने में, बार्क में होल्स बनाता है, गहरे होल्स बनाता है. किस चीज से? अपनी बीक से, अपनी चोंच से बनाते हैं वो ये होल्स. प्लेटफॉर्म नेस्ट, सेकेंड टाइप का नेस्ट क्या है आपका? प्लेटफॉर्म नेस्ट. इट इज अ फ्लैट नेस्ट. प्लेटफॉर्म नेस्ट, इट इज अ फ्लैट नेस्ट अराउंड, फाउंड ऑन द ट्री टॉप्स विथ ब्रांचेस. जो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उनके ऊपर, उनकी ब्रांचेस पे बनते हैं ये घोंसले, प्लेटफॉर्म नेस्ट. क्रो, ईगल, नाइट वल्चर मेक सच नेस्ट ऑफ विंग्स एंड ब्रांचेस. कौन कौन सी चिड़ियां बनाती हैं आपके ये प्लेटफॉर्म नेस्ट? कौआ, ईगल, काइट, वल्चर. आप देख सकते हैं ये जितने भी ईगल, काइट, वल्चर हैं, ये सारे एक टाइप के, क्रो, ये सब क्या है?
ये सारे ऊपर बहुत ज्यादा आसमान में उड़ने वाली चिड़ियां हैं जो कि शिकार करती हैं। इस टाइप के जो बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, कैविटी प्लेटफॉर्म नेस्ट बनाते हैं। और ये नेस्ट किस चीज से बनाते हैं, विंग्स और ब्रांचेस से, पतले पतले जो ब्रांचेस होते हैं उनको यूज करके, तिनकों से और विंग्स से, अपने जो उनके उनके जो विंग्स उनके जो फेदर्स झड़ते हैं ना उनसे बनाते हैं। ओके, प्लेटफॉर्म नेस्ट। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ नेस्ट, कप नेस्ट। नेक्स्ट क्या आपका, कप नेस्ट। कप नेस्ट इट इज शेप, इट इज कप शेप्ड नेस्ट, कप की शेप का नेस्ट होता है। बिल्ड ऑन द हेजेस एंड बुशेस, और ये कहाँ बना होता है, हेजेस पे और बुशेस पे, जो जंगल और झाड़ होती है ना उस पे ये इस टाइप के नेस्ट बनते हैं, झाड़ों पे। ओके, इट इज मेड फ्रॉम ग्रास, ग्रास से बनाते हैं, मॉस एंड लीचन। किस किस चीज से बनता है ये नेस्ट, ग्रास, मॉस और लीचन। इट इज मेड बाय बुलबुल, स्पैरो एंड हमिंग बर्ड। कौन कौन सी चिड़ियां बनाती हैं ये, बुलबुल, स्पैरो एंड हमिंग बर्ड। जो गौरैया होती है आपकी, जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ना, आप देखिए ये सारे बर्ड्स जो है बहुत छोटे छोटे हैं, बुलबुल भी बहुत छोटी होती है, स्पैरो भी बहुत छोटे होते हैं, और हमिंग बर्ड तो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड क्या, हमिंग बर्ड है। तो ये कप नेस्ट जो है बेसिकली जो बहुत छोटे छोटे साइज में बर्ड्स होते हैं वो बनाते हैं आपके कप नेस्ट। ओके, नेक्स्ट इज वेवर बर्ड नेस्ट। नेक्स्ट क्या आपका, वेवर बर्ड नेस्ट। अ वेवर बर्ड वेव्स द नेस्ट यूजिंग स्ट्रॉ, ग्रास एंड लीव्स। वेवर बर्ड जो होता है वो क्या करता है, नेस्ट बनाता है किस किस चीज से, स्ट्रॉ यूज कर, जो पतले पतले तिनके होते हैं ना स्ट्रॉ आपके, वो ग्रास घास यूज करके, और लीव्स पत्ते का इस्तेमाल करके। इट्स नेस्ट इज बॉटल शेप्ड, इनका जो नेस्ट होता है वो क्या होता है, बॉटल के शेप का होता है, आपका वाटर बॉटल जो होता है उसकी शेप का होता है। विथ अ टनल लाइक ओपनिंग एट द लोअर एंड ऑफ द नेस्ट, और यहाँ पे ये जो अब आपके बॉटल के शेप का नेस्ट है तो वो कैसे टनल की तरह है, एक पाइप की तरह का ये तो, और उसकी जो ओपनिंग है उस नेस्ट में घुसने के लिए, उसका जो गेट है ओपनिंग है वो कहाँ है, नेस्ट के नीचे होता है, लोअर एंड में, सबसे नीचे कहाँ होता है, लोअर एंड में नेस्ट की ओपनिंग होती है। इस नेस्ट को क्या कहते हैं, वेवर बर्ड्स नेस्ट। वेवर बर्ड्स नेस्ट किस चीज से बना होता है, वेवर बर्ड का नेस्ट स्ट्रॉ, ग्रास और लीफ से बना होता है, ये बॉटल के शेप का होता है। इट्स नेस्ट इज बॉटल शेप्ड विद अ टनल लाइक ओपनिंग एट द लोअर एंड ऑफ द नेस्ट, नेस्ट के लोअर एंड में इसकी ओपनिंग होती है। नेक्स्ट इज टेलर बर्ड्स नेस्ट। नेक्स्ट आपको क्या है, टेलर बर्ड का नेस्ट है, टेलर बर्ड नाम ही है तो ये सिलाई करती होंगी। अ टेलर बर्ड स्यू लीव्स टुगेदर, आप डायग्राम में देख सकते हैं टेलर बर्ड क्या करती है, पत्तों को साथ में सिल देती है विथ इट्स बीक, अपनी चोंच से, अपनी चोंच से ये पत्तों को क्या करती है, सिल देती है, टू मेक अ नेस्ट, नेस्ट बनाने के लिए। इट यूजेस इट्स शार्प बीक, अपनी नुखीली चोंच को यूज करती है, इस्तेमाल करती है एज अ नीडल, सुई की तरह इस्तेमाल करती है टू स्यू, सिलने के लिए। द लीव्स स्यू द लीव्स विथ कॉटन, वूल, ग्रास एंड स्पाइडर वेब, और ये किन चीजों को इस्तेमाल कर सिलाई करती हैं, पत्तों की सिलाई करती हैं ये, कॉटन यूज करके या ऊनी यूज करके, वूल या ग्रास यूज करके, घास यूज करके, और स्पाइडर वेब या फिर ये जो मकड़े होते हैं, मकड़े की जो जाल होती है ना उसको इस्तेमाल कर ये अपने घोंसले सिलती हैं, पत्तों को सिलती हैं और अपने घोंसले बनाती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं इस बर्ड ने अपना घोंसला बना रखा है क्या, पत्तों की सिलाई कर स्टिचिंग कर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज मोर टू नो, ग्रीबीज आर वाटर बर्ड्स, दे बिल्ड फ्लोटिंग नेस्ट ऑन राफ्ट्स। ग्रीबीज क्या है, वाटर बर्ड है, पानी में रहने वाली चिड़ियां हैं जो कि फ्लोटिंग नेस्ट बनाती हैं, तैरती हुई नेस्ट बनाती हैं ऑन राफ्ट्स। राफ्ट मतलब लकड़ियां जो होती हैं ना, जो पानी में सड़ी हुई लकड़ियां वकड़ियां तैर रही होती हैं उन पे, ऑफ रॉटिंग वेजिटेशन, पानी के ऊपर तैरते हुए जो
सड़ते हुए वेजिटेशंस हुए लाइक पेड़ पौधे या फिर कुछ जाल जैसी चीज़ जो उग जाती है काई वाई पानी के ऊपर, जो फ्लोट हो रही होती है, फ्लोटिंग रॉटिंग वेजिटेशंस होते हैं पानी के ऊपर, उनके ऊपर ये अपने घोंसले बनाते हैं, इन लेक्स एंड पॉन्ड्स, तालाबों में और झीलों में. ओके, पीविट और प्लोवर ले एग्स इन द स्क्रैप ऑन द ग्राउंड. अब दो तरह की चिड़िया का नाम दिया आपको, पीविट या प्लोवर. ये क्या करती हैं, ये अंडे देती हैं कहाँ, स्क्रैप ऑन द ग्राउंड, जमीन में जो होल होता है जमीन में होल करके ये अंडे देती हैं. वाटर बर्ड मेक देयर नेस्ट ऑन और बिसाइड द वाटर. और ये पानी की जितनी भी चिड़िया होती हैं जो कि पानी में रहती हैं, वो क्या करती हैं, दे मेक देयर नेस्ट, अपने घोंसले बनाती हैं ऑन और बिसाइड द वाटर, पानी में घोंसले बनाती है, पानी के ऊपर घोंसले बनाती है, या फिर पानी के बिसाइड में घोंसले बनाती है, पानी के बगल में, नजदीक में, पानी के एरिया के नजदीक में, पॉन्ड या तालाब के नजदीक में वो अपने घर बनाती है, अपने नेस्ट बनाती हैं. पार्टरिजेस मेक अ शैलो होल इन द ग्राउंड. पार्टरिज एक बर्ड है आपकी, वो क्या करती है, शैलो होल बनाती है, बहुत गहरी नहीं, शैलो मतलब कम गहरी वाली, कम गहरा गड्ढा बनाती है इन ग्राउंड विच इज सराउंडेड बाई टॉल ग्रासेस, जो कि लंबी लंबी घास घासों से घिरा हुआ होता है, लंबी लंबी घासों के बीच में, टॉल ग्रासेस के बीच में वो अपना शैलो होल बनाती है, बहुत ही कम गहरा सा गड्ढा बनाती हैं, और उसमें ही वो क्या करती हैं, अपने अंडे देती हैं. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. पैंगुइन, पैंगुइन्स के बारे में पढ़ेंगे हम. पैंगुइन्स मेक नेस्ट आउट ऑफ पेबल्स. पैंगुइन किस चीज से नेस्ट बनाती है, पेबल्स से. किस चीज से नेस्ट बनाती है पैंगुइन, पेबल्स से नेस्ट बनाती है. जो छोटे छोटे चिकने चिकने पत्थर होते हैं ना, छोटे छोटे, जो आप देखते होंगे जिसे हम लोग सैंडस्टोन भी कहते हैं, बालू में होते हैं ये पत्थर, सैंड में होते हैं, उन पेबल्स को, छोटे छोटे पत्थरों को इस्तेमाल करके ये अपने नेस्ट बनाती हैं. देयर नेस्ट आर ऑन ग्राउंड. इनका जो नेस्ट होता है वो कहाँ होता है, जमीन पे होता है. पेंगुइन्स का नेस्ट किस चीज़ से बना होता है, पेबल्स से बना होता है. पेबल्स छोटे छोटे पत्थर होते हैं और इनका नेस्ट ग्राउंड पे होता है, जमीन पे ही होता है. केयरिंग ऑफ यंग वंस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, केयरिंग ऑफ यंग वंस, कैसे चिड़ियां अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम. बर्ड्स ले एग्स ऑन देयर नेस्ट. चिड़ियां जो है अपने घोंसलों में अंडे देती हैं. वंस द एग्स आर लेड दे हैव टू बी केप्ट वॉर्म. एक बार जब अंडे पैदा हो जाते हैं, मतलब अंडे दे देती हैं ये, तो अंडों को गर्म रखना होता है. द पेरेंट बर्ड सिट ऑन दीज एग्स. पेरेंट बर्ड जो होती है, जो अंडे देती हैं, वो क्या करती हैं, अंडे पे बैठती हैं. वेन द बेबीज गेट फुल्ली डेवलप्ड, जब बच्चे पूरी तरह अंडों में विकसित हो जाते हैं, जब बच्चे पूरी तरह अंडे में बन जाते हैं, दे हैच बाय क्रैकिंग द एग शेल्स एंड बेबी बर्ड कम्स आउट. तो वो अंडों को फोड़कर बाहर निकल आते हैं. वो क्या करते हैं, अंडों को हैच करके, बाय क्रैकिंग द एग शेल्स बेबी बर्ड्स कम आउट. अंडों को फाड़कर बच्चे बाहर निकल आते हैं. द बेबीज आर वीक. जो बेबीज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, एंड हैव नो फेदर्स, और उनके पास पंख भी नहीं होते. जब बच्चे पैदा लेते हैं, चिड़िया के बच्चे जब अंडों से निकल कर आते हैं, तो उनके पास फेदर्स नहीं होते हैं और वो काफी कमजोर होते हैं. देयर आईज आर क्लोज, और उनकी आंखें भी बंद रहती हैं. उनकी आंखें क्या होती हैं, बंद रहती हैं. द पेरेंट्स लुक आफ्टर देम. उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो मम्मी चिड़िया होती हैं, पापा चिड़िया होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनका देखभाल करते हैं. बाई फीडिंग एंड कीपिंग देम वॉर्म. वो क्या करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनके ऊपर बैठ कर उनको अपने बॉडी से चिपका कर उनको वॉर्म रखते हैं, ठीक है, उनको गर्म रखते हैं, उनको गर्मी देते हैं अपने बॉडी से, क्योंकि वो जो चिड़िया होती हैं, जो बेबी बर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर फेदर्स नहीं होते. और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फेदर्स क्या करते हैं, फेदर्स हेल्प इन कीपिंग बर्ड्स वॉर्म. चिड़िया को फेदर्स गर्म रहने में हेल्प करते हैं, तो इन बेबी बर्ड्स के पास फेदर्स नहीं होते, तो वो वार्म नहीं रह सकती. तो उनकी जो मम्मी बर्ड होती हैं,
पापा बर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ऊपर बैठ के उनके ऊपर उनको अपने बॉडी से चिपका कर उनको वार्म देते हैं, वार्म शेयर करते हैं, ओके गर्मी देते हैं, अपने बच्चों को गर्म रखते हैं। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, और उनको दुश्मनों से भी बचाते हैं, उनको दूसरे एनिमी बर्ड से बचाते हैं, एंड बैड वेदर और खराब मौसम से भी बचाते हैं। वेन द बेबी बर्ड गेट्स फेदर, जब बेबी बर्ड के पास फेदर हो जाता है एंड बिकम स्ट्रांग, और वो स्ट्रांग हो जाती है खाना पीना खाकर, देयर पेरेंट्स टीच देम टू फ्लाई, उनके पेरेंट्स क्या होते हैं, उनको उड़ना सिखाते हैं। जो बेबी बर्ड के पास जब पंख आ जाता है तो मम्मी बर्ड क्या करती हैं, बच्चों को उड़ना सिखाती हैं। पेरेंट्स बर्ड जो होती हैं वो क्या करती हैं, टीच देम टू फ्लाई, उनको उड़ना सिखाती हैं, एंड फाइंड फूड फॉर देमसेल्फ, और खाना खोजना भी सिखाती हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है और खाना कहाँ से खोजना है। ये सारी चीज़ें मम्मी बर्ड बेबी बर्ड को सिखाती हैं। यंग बर्ड्स डू नॉट हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, यंग बर्ड जो होती है ना, मतलब जो बच्चे बर्ड्स होते हैं, उनकी सूंघने की शक्ति, उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए उनको नहीं पता चल पाता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना और खाना कहाँ है। तो मम्मी बर्ड जो है क्या करती है, उनकी हेल्प करती है इस चीज़ में। ओके द कुकू डज नॉट मेक्स इट्स ओन नेस्ट, मोर टू नो, कुकू कोयल जो है आपकी, वो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती, बट इट ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो, और वो क्या करती हैं, अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे देती हैं, अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख देती हैं, या फिर कौवे के घोंसले में जाकर वो अंडा दे देती हैं। कौन, कोयल, कोयल क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती और कौवे के घोंसले में अंडे रखाती है या फिर अंडे दे देती है। कुकू डज नॉट मेक्स इट्स ओन नेस्ट बट लेट्स एग इन द नेस्ट ऑफ क्रो। वी शुड नॉट गो क्लोज टू और मेक नॉइज नियर अ बर्ड्स नेस्ट, हमें कभी भी किसी चिड़िया के घोंसले के नज़दीक नहीं जाना चाहिए और वहाँ जाकर शोर भी नहीं मचाना चाहिए। मेक नॉइज नियर अ बर्ड्स नेस्ट, हमें किसी भी चिड़िया के घोंसले के नज़दीक शोर नहीं मचाना चाहिए, उसमें बेबी बर्ड्स हो सकते हैं। डिस्ट्रॉय अ बर्ड्स नेस्ट, ना ही हमें किसी भी चिड़िया के घोंसले को बर्बाद करना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो काफ़ी मेहनत से, चिड़िया के पास हाथ पाँव तो होते नहीं हैं, बेचारी बहुत मेहनत से तिनका तिनका जमा कर अपना घोंसला बनाती है, इसलिए हमें कभी उनके मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनके घोंसले को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ओके डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। थ्रो स्टोन्स एट बर्ड्स नेस्ट, हमें बर्ड्स के नेस्ट पे स्टोन्स नहीं फेंकने चाहिए, उसमें बेबी बर्ड्स हो सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। ओके मोर टू नो द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, चिड़िया के बारे में जो जैसे हम लोग बायोलॉजी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनमें हम चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं, बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्टर सलीम अली बहुत ही फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे दुनिया के हैं। ही इज पॉपुलरली नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, और उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली, ये जीके का क्वेश्चन है। और बर्ड साइंस को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ये भी जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ओके सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग डू बेबी बर्ड स्टे इन द नेस्ट, बेबी बर्ड कब तक नेस्ट में रहते हैं, हमने बेबी बर्ड के बारे में पढ़ा। देखिए यहाँ आंसर, व्हेन द बेबी बर्ड हैच फ्रॉम एग द पेरेंट्स बर्ड फीड एंड प्रोटेक्ट देम, द बेबी बर्ड स्टे इन द नेस्ट टिल दे आर एबल टू फ्लाई। क्या आंसर, बेबी बर्ड स्टे इन द नेस्ट टिल दे आर एबल टू फ्लाई, बेबी बर्ड तब तक नेस्ट में रहते हैं जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर कैविटी नेस्ट बिल्ड, कैविटी नेस्ट कहाँ बनाया जाता है, कैविटी नेस्ट इज बिल्ड इन द ट्रंक ऑफ ओल्ड ट्री, कैविटी नेस्ट कहाँ बनाया जाता है, कैविटी नेस्ट इज बिल्ड इन द ट्रंक ऑफ ओल्ड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वॉटर बर्ड मेक देयर नेस्ट, वॉटर बर्ड अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं,
द वॉटर बर्ड. वॉटर बर्ड मेक देयर नेस्ट ऑन और बिसाइड द वॉटर. कहाँ बनाते हैं वॉटर बर्ड अपना नेस्ट? पानी पे या पानी के बगल में बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन थिंग वी शुड नॉट डू टू बर्ड्स नेस्ट. कोई एक चीज लिखिए जो हमें बर्ड के घोंसले के साथ नहीं करनी चाहिए. अभी हमने पढ़ा वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय बर्ड्स नेस्ट. We should not go close to or make noise near the bird's nest. We should not throw stones at the bird's nest. इन तीनों में से कोई भी एक चीज लिख दीजिए. We should not destroy the bird's nest. ये लिख दीजिए. Next is who is popularly known as Bird's Man of India. अभी हमने पढ़ा डॉक्टर सलीम अली इज नोन एज द बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया. डॉक्टर सलीम अली इज वन ऑफ द फेमस ऑर्थोनोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ही इज पॉपुलरली नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया. ओके, ये आपका आंसर है. डॉक्टर सलीम अली इज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. वाई डू बर्ड्स मेक नेस्ट? चिड़िया घोंसले क्यों बनाती हैं? हमने फर्स्ट पेज में ही पढ़ा चिड़िया घोंसले क्यों बनाती हैं. Birds build their nest to lay eggs and bring young ones. क्यों बनाती हैं? Birds build their nest to lay eggs and bring young ones. बच्चे देने के लिए और अंडे रखने के लिए बनाती हैं. ओके, Why do parents birds sit on their egg? Parent bird अंडों पे क्यों बैठते हैं? उसको गर्मी देने के लिए बैठते हैं. अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले. Birds lay egg in their nest. When the egg are laid, they have to kept warm. उनको गर्म रखना पड़ता है. The parents birds sit on these eggs. इसीलिए the parent birds sit on the eggs to keep them warm. क्यों बैठती हैं? गर्म रखने के लिए अंडों को. The parents birds sit on their eggs to keep them warm. How does a tailor bird make its nest? Tailor bird अपना घोंसला कैसे बनाती हैं? यहाँ लिखा है A tailor bird's wee leaf together with its beak to make a nest. It uses its sharp beak as a needle to sew the leaves with cotton, wool, grass and spider web. Okay? ये रहा आपका answer. Next question is, How do baby birds look when they come out of the egg? Baby bird कैसे दिखते हैं जब वो अंडों से बाहर आते हैं? ये रहा. The baby birds are weak and have no feathers. Their eyes are closed. Okay? ऐसे दिखते हैं वो बिना पंखों वाले गंजे से. What is a cup nest? Cup nest क्या है? देखिए यहाँ है. Cup shaped nest built on the hedges and bushes. It is made up of grass, moss and lichen. It is made by bulbul, sparrow and hummingbird. ये रहा आपका answer. Next is fill in the blanks. Birds build dash to lay their eggs. Bird क्या बनाते हैं अंडे देने के लिए? Nest. क्या? Nest. N-E-S-T. Nest. Next question is the hatched baby birds are. हैश्ड बेबी बर्ड्स जो होते हैं, जो बच्चे अभी अभी अंडे से निकलते हैं, वो क्या होते हैं? फेदरलेस. उनके पास पंख नहीं होते हैं, फेदरलेस होते हैं. FEATHER फेदरलेस, बिना फेदर के होते हैं, बिना पंखों के. ओके, नेक्स्ट इज डैश बर्ड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. कौन अपने पेरेंट बर्ड, बच्चों का ख्याल कौन रखते हैं? पेरेंट बर्ड. क्या होगा? पेरेंट बर्ड क्या फिल करेंगे? पेरेंट, PARENT, पेरेंट. ओके, नेक्स्ट इज डैश बिल्ड अ प्लेटफॉर्म नेस्ट. कौन प्लेटफॉर्म नेस्ट बनाती हैं? आपके ऑप्शन में देखिए क्या क्या है. प्लेटफॉर्म नेस्ट, क्रो बनाते हैं ना प्लेटफॉर्म नेस्ट, CROW, क्रो बिल्ड अ प्लेटफॉर्म नेस्ट. क्या फिल करेंगे यहाँ पे? क्रो, फोर्थ में क्रो, CROW, क्रो. डैश यूजेज इज बीक एज अ नीडल टू स्यू द लीव्स. कौन यूज करता है नीडल स्यू करने के लिए, पत्तों को सिलने के लिए? टेलर बर्ड.
यहाँ पे क्या दे के रखा है, टेलर बर्ड, टेलर बर्ड लिखना है वहां पे आपको, टेलर बर्ड सीव द नेस्ट, सीव द लीव्स, व्हाट विल यू राइट, टेलर बर्ड, टी ए आई एल ओ आर बी आई आर डी, टेलर बर्ड. स्टे ट्रू एंड फॉल्स, अब ट्रू फॉल्स करना है आपको, द बेबीज दैट कम आउट ऑफ द एग्स आर स्ट्रांग, जो बच्चे अंडों से बाहर आते हैं क्या वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, नहीं बहुत वीक होते हैं, सो फॉल्स. अ प्लेटफॉर्म नेस्ट लुक्स फ्लैट, प्लेटफॉर्म नेस्ट फ्लैट दिखता है, ट्रू. अ टनल लाइक ओपनिंग इज फाउंड इन द नेस्ट ऑफ द वुड पैकर, वुड पैकर के टनल वाले नेस्ट में रहता है, फॉल्स. Young birds do not have good sense of smell. True. Penguin make nest on the ground. True. Okay. True false is completed. Match the column. Taylor bird. Taylor bird क्या करता है? Sew leaves to make nest. पत्ते सिल के बनाता है अपने nest. Sparrow. Sparrow कैसा nest बनाता है? स्पैरो हमारे घरों में नेस्ट बनाता है, हाँ, मेक नेस्ट इन आवर होम. वुड पैकर, पैक अ होल इन द ट्री ट्रंक, हाँ. वेबर बर्ड, वेबर बर्ड क्या करता है, बॉटल शेप्ड बनाता है. ईगल प्लेटफॉर्म नेस्ट बनाता है, हो गया. अब आपको दो एग्जाम्पल नेक्स्ट में, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बर्ड्स दैट मेक प्लेटफॉर्म नेस्ट, कौन कौन बनाता है, वल्चर, क्रो, CROW क्रो, VULTURE वल्चर. कैविटी नेस्ट, कैविटी नेस्ट कौन कौन बनाता था देख सकते हैं आप पीछे जाकर, कैविटी नेस्ट कौन कौन बनाता है, यहां देखिए कैविटी नेस्ट, आउल, वुड पैकर, पैरट, क्या क्या लिखेंगे आप उसमें, आउल और वुड पैकर लिख सकते हैं, आउल, OWL आउल, WOOD वुड, PE CKER वुड पैकर. कप नेस्ट कौन बनाता है, आप देखिए पीछे जाकर, कप नेस्ट कौन कौन बनाता था, स्पैरो और हमिंग बर्ड्स, स्पैरो, हमिंग बर्ड्स क्या बनाते हैं, कप नेस्ट बनाते हैं, यहाँ से देखकर आप आंसर्स लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सॉल्व द पजल, पजल सॉल्व करना है. नंबर वन, अक्रॉस में लिखना है आपको क्या, अ फ्लाइंग क्रीचर but not a bird, it does not lay eggs but give birth to the young ones. Flying creature है जो कि bird नहीं है मगर वो अंडे देती है, but young ones, three में fill करना है. A flightless bird, third में fill करना है आपको. Penguin, bird use it for picking, teasing and chestling. Beak, one में beak होगा, BEAK beak. Next is a bird that flies at night, night में उड़ने वाला, two में owl, OWL owl. A large flightless bird that run very fast, ostrich. Third में, third is emu, EMU. A flesh-eating bird that flies high in the sky. Second में eagle, EAGLE. हाँ, यहाँ पे EEMU, emu. Okay, eagle. सब हो गया.
ओके, सो दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं. अगर आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़.